जब हम अपने घरों में कोई मोटर इंस्टॉल करवाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसा मोटर फिट हो जो सालों साल चले और जल्दी ख़राब भी ना हो। तो फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हर सेगमेंट में समर्सेबल पंप प्रोवाइड कराती है, जिनके डिफरेंट फीचर मेंशन किया हुआ रहता है। हमारे इंडिया में बहुत ऐसी कंपनी है जैसे टेक्मो पंप्स हो गया, क्रम्पटन पंप्स हो गया, लुबी पंप्स हो गया, सीआरआई पंप्स हो गया, फिगार्ड पंप्स हो गया, किर्लोस्कर पंप्स हो गया। बहुत ऐसी सारी कंपनियां हैं जो दोस्तों मार्केट में अवेलेबल यानी अवेलेबल है। उनमें से एक सीआरआई पंप्स जो इंडियाज अंडर टॉप 10 में आता है दोस्तों। सीआरआई पंप हर सेगमेंट मोटर प्रोवाइड कराती है, जैसे जेट पंप हो गया, समरसेबल पंप हो गया, सीवरेज पंप हो गया, मोनोब्लॉक पंप हो गया और कंप्रेसर वाटर पंप हो गया। ऐसी बहुत सारी सेगमेंट में बनाती है ये कंपनी, जिनमें से आज के वीडियो में सीआरआई पंप को फिटिंग एंड रिव्यू देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, ये सीआरआई पंप्स जो 1 HP का वाइल्ड फील्ड मोटर है, जिसका MRP का बात करें तो 12,538 रुपया है, पार्टी को डिस्काउंट करके 10,800 रुपया पड़ा। स्टार्टर सहित यानी कि इसका समरसेबल के साथ आपको स्टार्टर भी इसमें इंक्लूड है। दोस्तों, ये 10 स्टेज का ये वाटर पंप है जो आपको 51 हेड रेंज यानी 51 मीटर आपको ऊपर पानी पहुंचा सकता है। कंपनी का दावा है कि आप इस समरसेबल को जितना नीचे डालिएगा उससे आपको 51 मीटर ऊपर पानी भेज सकता है। सीआरआई पंप्स कंपनी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 8 बार जीत चुकी है दोस्तों। और इस पंप का वेट का बात करें तो दोस्तों 15.23 kg यानी कि 15.5 kg के आसपास में इसका वजन है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं, इस पंप को फिटिंग करने के बाद फिर इसमें 1.25 का अडप्टर लग रहा है। तो ये दो पार्ट्स में रहता है दोस्तों, तो एक पार्ट्स नीचे लगता है समरसेबल पंप में, जो पंप का आउटडोर रहता है। तो इसका आउटडोर का बात करें तो 32 mm रहता है दोस्तों, यानी कि 1.25 inch पाइप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 1.25 inch से आप आउटलेट कर सकते हैं। तो 1.25 inch के जगह में 1 inch का पाइप पार्टी खरीदें तो 1 inch का पाइप हम लगा रहे हैं। अगर आपका हैंडपम्प में जैसे 5 inch का बोरवेल रहे और उसमें हैंडपम्प भी लगा रहे तो आप 1 inch का ही पाइप लगाएं, ठीक है। और आपका 110-120 feet रहे तो, अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो उसके अनुसार फिर आपको कॉलम पाइप भी लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मोटर का खासियत मेन क्या है। अगर दोस्तों आपके यहाँ क्षेत्र में अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम रहे यानी कि वोल्टेज कम रहे तो उसके जगह में आप इस सीआरआई पंप को इंस्टॉल करें, 1 HP का और ये भी ऑयल फील्ड का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वोल्टेज बहुत भी कम रहेगा ना फिर भी आपका ये पानी दे सकता है। मान लीजिए आप इस समरसेबल को बोरिंग के अंदर 150 feet में आप इसको इंस्टॉल किए हों और अगर आप जब भी मोटर ऑन करते हैं, जैसे समरसेबल का जो स्टार्टर रहता है, जब आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद अगर आपका 130-125 भी वोल्टेज रहेगा ना तो आपका पानी ये दे देगा। क्योंकि ये मेरा घर में लगा हुआ है दोस्तों और ऐसा सिचुएशन आया है कम वोल्टेज में और जो पानी दिया भी है, जो 160 feet में ये इंस्टॉल है। और जैसा कि दोस्तों पहले बताएं कि ये 10 स्टेज का ये पंप है जिसका हेड रेंज 51 मीटर है, यानी कि 1 स्टेज का बात करें तो ये आपको 17 फीट तक पहुँचा सकता है पानी। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपका घर में कौन सा मोटर सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बोरवेल में पानी का लेयर अगर कम रहे तो आप हमेशा पानी का लेयर कम में जेट पंप ही लगाएं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका बोरवेल में पानी सही रहे और सही के साथ साथ अगर बोरवेल में मिट्टी का अंश ज़्यादा रहे तो आप इस पंप को कभी ना लगाएं, क्योंकि इस पंप में प्रेशर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपका बोरवेल में पानी का मात्रा सही रहे, लेयर सही रहे और मिट्टी का अंश ना रहे तो इस पंप को बेहिचक लगा सकते हैं। जैसा कि पार्टी से हम पूछे थे इस बोरवेल में क्या पोजीशन है तो बताए थे इसमें पत्थर ही पत्थर इसमें बोरिंग में मिला हुआ है और पानी भी भरपूर मात्रा में है। तो तब दोस्तों इस पंप का सजेशन दिए हैं और इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं पंप को पूरा फिटिंग भी कर लिए हैं, वायर रस्सी सभी निकाल लिए हैं और उसको बांध भी दिए हैं। और ये रहा स्टार्टर, जिसमें देख सकते हैं 2 capacitor इसमें लगा हुआ है। छोटा वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो स्टार्ट कैपेसिटर है दोस्तों और बड़ा वाला रनर कैपेसिटर है।
आप इसमें दोस्तों 40 एमएफडी तक रनर कैपेसिटर लगा सकते हैं। और ये स्टार्ट कैपेसिटर कब काम आता है दोस्तों, जब आपका मोटर स्टार्ट होता है तो ग्रीन बटन इसका जो रहता है कुछ देर के लिए 2 सेकंड के लिए दबाना पड़ता है। क्यों दबाना पड़ता है कि जब आपका मोटर कभी जाम हो जाए, फंस जाए, तो उसको एक्स्ट्रा पावर के लिए डबल कंडेंसर का जरूरत पड़ता है। बस 2 सेकंड के लिए स्टार्ट पावर का उसको पावर देना पड़ता है ताकि झटका लेके वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर जैसे आप बटन को छोड़ दीजिएगा फिर स्टार्ट कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद रनर कैपेसिटर के द्वारा से ही मोटर चलता है और पानी देता है। तो इसमें देख सकते हैं 5 वायर, जैसे कि 2 वायर जो है फेस न्यूट्रल जो ब्लू कलर का है जो है, उसके बाद जो समरसेबल से 3 वायर जो आया है रेड येल्लो ब्लू RYB कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों बात करते करते समरसेबल भी यहाँ इंस्टॉल हो गया है, पूरी तरह से कनेक्ट भी कर दिए हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गया कि इसका वीडियो अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। कब, जब इसका मोटर को स्टार्ट बंद कर दो यहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि वीडियो पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग हुआ, यानी बटन मोबाइल का हो सकता है नहीं ऑन हुआ होगा। तो फिर क्या किए, घर जाने के बाद पता चला जब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्लाइंट से फोन करके फिर मोटर चालू करवा के और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के मंगवाए थे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर खुद पार्टी ही रिकॉर्डिंग करके भेजे थे, जो गार्डन पाइप इसमें लगा हुआ है। और देख सकते हैं इसका प्रेशर किस तरह से आ रहा है, ये जो प्रेशर छोड़ छोड़ के जो आ रहा है, ये हाथ से जो पकड़े हैं जिसके वजह से आ रहा है दोस्तों, और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।